ओम शांति। जो हमारे 50 साल 7 साल के पहले वाले जो बुजुर्ग है वो आज जितना काम करते हैं, जो 14 साल 16 साल 17 साल 20 साल के आज के बच्चे काम कर सकता है? कर सकता है क्यों? पहले जमाने वाले कंधों को लगाकर काम करते थे, आज के बच्चे उंगलियों से काम कर रहा है। यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया है? पूरा क्या हो गया है? जड़ जैसा हो गया, उसको यूज ही नहीं करते। और खाना कितना खाता है? खाना कितना खाता है? ये उंगलियों को चलाने के लिए जितना खाना खाइए खाना है उतना नहीं खाते, ओवर ईटिंग करते हैं। जब व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है उस शरीर को जितना कैलोरीज पावर चाहिए उतना लेते हैं, और बाकी जैसे आपने पैसा कमाते हैं घर का खर्चा जितना होना है उतना लेते हैं, बाकी पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। ऐसे शरीर में भी एक तरह की फैट बैंक, कौन सा बैंक? फैट बैंक, वो जमा होता है। जब व्यक्ति को बहुत धन बैंक में इकट्ठा हुआ तो इंटरेस्ट मिल जाता है, मना उसका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रोग्रेस। यहां भी क्या हो जाता है? प्रोग्रेस हो जाता है, यहां भी प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि जो खाने का पद्धति है वो नहीं है, अच्छा नहीं है। हम सब भी सूर्य के किरणों से बने हुए खाना कम खाते हैं, और ज्यादा तेल, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, ज्यादा तरह के उबलते हुए खाना, बॉइल्ड खाना हम ज्यादा लेते हैं। ये उल्टा सिस्टम है। देवताएं जो है वो 36 प्रकार का भोजन खाते हैं। बाबा ने इतना सुंदर बात बताया, देवताएं 36 प्रकार का भोजन जो खाता है वो एक एक स्पून खाने पर भी बॉडी को जितना कैलोरीज मिलना है, जितना उसको विटामिन मिलना है, जितना उसको सब प्रकार से क्या मैनेज करने का शक्ति मिलना है वो परफेक्ट होता है। सत्युग में उतना खाने पर भी किसी का शरीर मोटापा नहीं होता है, क्योंकि वो जो खाते हैं वो शरीर एक एक स्पून खाने पर ही सब शरीर को मिल जाता है, हजम हो जाता है, और कोई तरह का फैट रिजर्व नहीं होता है। और वो लोग भले काम नहीं करते लेकिन राज ज्यादा करता है। क्या ज्यादा करता है? राज। राज करने से क्या होता है? रस करने से क्या होता है? एक्टिव प्रेशर पॉइंट सभी एक्टिवेट हो जाता है, और उन उस वातावरण के अनुसार प्रकृति बहुत सदो प्रदान होने के कारण वहां बीमारियों की एंट्री नहीं होता है। और कलियुग का हिसाब ऐसा नहीं है, यहां हर चीज में भी क्या होता जाए? प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। आपको ये व्हाट्सएप में या यूट्यूब में मिलता रहता है जो दूध में कैसे कैसे कंटामिनेट करते हैं, और पानी में क्या क्या डाल देते हैं, और ये सब्जी में क्या क्या डाल देते हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया वाले कितने भी खराब करते हैं वो सब भी हम योगियों के लिए बाबा के वाइब्रेशन से प्यूरिफाई करके एक लेवल तक हम उसको केयर टेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बीमारियों का जड़ कब से शुरू हुआ बता दूं? जब नमक सॉल्ट का बर्त हुआ तब से ही जड़ से बीमारी का स्टार्ट हुआ। किसी ने बोला, भैया नमक स्वाद का राजा है। हमने कहा, भैया स्वाद का राजा नमक है और बीमारियां उसका महाराजा है। स्वाद का राजा कौन है? नमक है। और बीमारी क्या है? उसका महाराज है। तो इसलिए अपने शरीर को संगम युग में
बिना मेहनत अच्छी तरह से उपयोग करना है, डॉक्टर और मेडिकल के पीछे नहीं भागना है, तो आप लोगों को एक नमक पूरी तरह से ज्यादा कहे तो 90% कम कर दो। कितना परसेंट? 90%। सत्युग में कोई नमक नहीं होता है, समझो। शुगर फैक्ट्री नहीं होता है, समझो। ये तेल आदि नहीं होता है, समझो। वहां सूर्य की किरणें से ही सब भी आहार का उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा आहार का नियम ऐसा होना है 30% यानी 30% हमको बॉइल्ड फूड लेना है। कितना परसेंट? 30%। 30% यू शुड कंज्यूम बॉइल्ड फूड। 70% हमको नेचर फूड यानी फल और सलाद ही लेना है। आपको अपना हेल्थ को अच्छा करना है तो आप इसको एक 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करो। नमक को अगर नहीं खाया तो आपको जो पाव का दर्द जो होता है ना, जो मसल पेन होता है, किसी को इसमें पानी आ जाता है, वो सब कंट्रोल हो जाता है। और जो एलर्जी प्रॉब्लम्स होता है ना, लीजिंग प्रॉब्लम्स और साइनस प्रॉब्लम्स, वो सब कम हो जाता है। अंदर नमक डाला तो आपको बिना पता चले बीमारियों का रूट कॉज वही होता है। तो अगर आपको नमक ना छोड़ना है तो आप पहले उसका प्रमाण कम कर दो। पहले आप जो खाना बनाना है बना दो, और आप इतना साल्ट खाते हैं तो आप 10% तक आ जाओ। केवल डालना है डालना है, वैसे खाके देखो। पीका भोजन नहीं समझो, अस्वाद भोजन नहीं समझो। वो पीका भोजन भी दूसरे नाम से कहा जाता है अमृत आहार। क्या आहार? अमृत आहार। जीभ के रस के कारण हम सब स्वाद के भोजन खाते 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 इस एक जीभ को हम राजी करते हैं, बाकी सभी सिस्टम को हम गड़बड़ी करते हैं। एक को खुश करने के लिए शरीर के सब प्रजा को भी हम क्या करते हैं? दुख देते हैं। अगर आपका राज्य, शरीर का राज्य, इंद्रियों का राज्य खुशी में रहना है तो इस एक को तकलीफ दिया तो भी नो प्रॉब्लम। ये एक तकलीफ उगाया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब प्रजाएं खुश रहता है।